अज शिवरात्रि का शुभ उत्सव है, उसकी महत्ता बारे की कहना चाहोगे? स्वामी जी महाराज की जय। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। सारे धर्मां दे इकट्ठे हो के ये त्यौहार बड़े उत्साह नाल मनाते हैं। स्वामी जी भी अपने वेले दे इत्थे इकट्ठा हुंदा सी, कीर्तन हुंदा सी, लंगर हुंदा सी। वह बड़ी उत्साह नाल यह त्यौहार मनाते सी, शाम नूं अपना विचार प्रगट करते सी। वही रिवायत हुण भी चल रही, स्वामी दी कृपा है कि हुण होर ज़्यादा हल्स बड़े हज़ारा तादाद च लोग इत्थे दर्शन करन आउंदे आ। असं लंगर छकदे आ, स्वामी जी दे गुण गाउंदे आ, और उन्हां दी कृपा नाल उन्हां पर अपनियां रहमतां बख्शदे आ। ओम नमः शिवाय। गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते चिदानंदाय शांताय निरारंभाय तेजसे। और जो हमने गुरुदेव से श्रवण किया है उसी के आधार पर कुछ शिवरात्रि के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। शिवरात्रि, शिव का अर्थ है कल्याण, रात्रि अंधकार। ये शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। चतुर्दशी में कृष्ण पक्ष में अंधकार ही अंधकार होता है, तो इस अंधकार में जागरण करने का विधान है। ये अंधकार सृष्टि का रूप है। इस सृष्टि में जागने का अर्थ है कि जो इस सृष्टि का आधार है, शिव है, उसका स्मरण करना और उस पर हर समय हर काल में हर स्थान में उसका चिंतन करना, यही वास्तविक शिवरात्रि है। ये एक शुरुआत है कि इस कम से कम और दिन नहीं करते तो यहाँ से तो करें, शिवरात्रि से फिर आगे चलते अगली अमावस्या को करें, फिर ऐसे करते करते नित्य प्रति दिन पर दिन हर समय इसका अभ्यास हो जाए, तब ही वास्तविक शिवरात्रि है। आज शिव पूजन का विधान है। ये शिव पूजन सारे शिव मंदिरों में शिवलिंग के रूप में किया जाता है। ये लिंग निशानी को कहते हैं। जो पूजन शिव का करते हैं, वास्तव में जो पूजन करने वाला है, जो उसके अंदर चैतन्य शक्ति है, जो पूजन कर रही है, उसी का पूजन है। हमें नज़र तो आता है कि हम बाहर पूजन कर रहे हैं, वास्तव में हम अपना ही पूजन कर रहे हैं, उसी ब्रह्म का, उस शिव शक्ति का ही पूजन कर रहे हैं। यही शिव पूजन है और यही जो है शिवरात्रि है। जिसने शिव को पहचान लिया, उस इस सृष्टि में शिव को जागरण कर लिया, उस पर हर समय दृष्टि उसकी बनी रही, वही शिवरात्रि है। उसी का कल्याण होगा, शिव उसी कल्याण को कहते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी महाराज की जय हो। परम पिता स्वामी जी महाराज चरणा कोटि कोटि प्रणाम। तुहानू अज इस महाशिवरात्रि दे शुभ दिवस ते तुहानू सारयां नू लख लख वधाई होवे। साडे विच साडे प्रधान साहब पहले सरदार गुरु जसपाल सिंह जी, हरिओम जी मैंबर ट्रस्ट, साडे
ਧਰਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਟਰੱਸਟੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਖਰੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਖੂਹ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਭਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਗਾਓ, ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਹਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ। ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ, ਆਦ ਹੈ, ਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਤੰਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਪਿੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਭਾਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕੌਣ ਬੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਨਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭਾਈ
उन्हें कहा चंगा महाराज। वो गए उन्होंने फटाफट ब्रह्मा जी उत्ते गए, विष्णु जी महाराज थले गए। हूँ उत्ते जा रहे हैं, हूँ गलता को बाणी रही बहुत 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 उनके की करिए। तो उन्होंने कहा गौ माता एक आई नजर, उन्होंने कहा माता तू मेरी दे दे उत्थे हाँ भर देना मैं भी हाँ अं देख आए हाँ अंत हैगा यदा। अगे केतकी का फुल मिले वो भी उन्होंने कहा जा तुम्हें कहना हाँ जी हाँ। वो कर कुर के आए जदों तो आवाज कहते हाँ भाई आ गए तुम, कहते ब्रह्मा जी कह हाँ महाराज देखा हाँ हैगा अंत है उपर तक है बहुत अपर है। कहते अच्छा भाई कौन स तेरी शहादत दिती है? कहते जी गौ माता ने और फूल ने केतकी का फूल। बहुत अनर्थ हो गया। कहते भाई अच्छा जो भी कलयुग आएगा गौ माता का काफ़ी यानी कि उन्होंने रक्षा नहीं होगी भाई, क्योंकि गलत बयानी हो गई है, शहादत गलत देती है, कोई लालच देता तुम केतकी के फुल मनाही करती भाई फुल तू हूँ फुल बन जा, जब तेरा फुल बनया हो तो जो बूटा है तेरे तो हूँ जो चढ़ेगा नहीं छे पिंडे तो नहीं आम पिंड मंदिर तेरा यह फुल नहीं चढ़ेगा, सुगंधित तेरे बहुत होगी परंतु भी नहीं चढ़ेगा। उन्होंने भी शराब होया भाई स्वामी जी कहते। फिर विष्णु महाराज ने कहा जी असी तुहाडा अंत नहीं ये पा सके जी। अच्छा जी तुहाडी जय जयकार भाई। तो स्वामी जी कहते भी उस तो बाद जी सीगा ये जो तो बहस तो बाद पता लग गया भी वह एक ही बने सारी रात ही चलता रहा दृश्य। स्वामी महाराज कहते उन्होंने जो ध्यान किया उन्होंने वो अंदर तो उन्होंने दोहा ने तो ब्रह्मा जी को पता लग गया कि वह मेरे तो कुछ कह हो गया कि सत नहीं है, क्योंकि आवाज़ आ रही तुम झूठे हो तुम सच्चे हो। तो मैं ये उन्होंने कहा जी मेरा जी मेरे पास मैं तक बहुत दूर तक महाराज गया ये पता नहीं लगा कितने डूंघाई का नहीं पता, इन्हों पता नहीं कितना पता लग गया होगा। वर मिल गया भी तुहाडा ना इस तरह रहेगा मंदिर पैणगे तुहाडा पूजन होएगा इन्हां लई जो है वो ही होएगा, इस तो बाद नहीं प्रसार होए क्योंकि एक महापुरुषा ने कोई ऐसी गल कह दिती हुई है। हुण इस इशू नूं हुण तुसीं रखोगे भी उस वेले भी कोई ये धरती नहीं सी कुछ नहीं सी ये सृष्टि नहीं पैदा हुई। फिर ब्रह्मा जी तप करना पिया, ब्रह्मा जी ने तप किया तप किया तप किया तप करो तप करो तप करो, उन्होंने हुक्म हो गया तप करो। तप करद करद्या करद्या एक जरा कमल का फुल जोड़ा सी वो विराजमान होए करद करद होया उन्होंने सृष्टि बनाने का हुक्म होया। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोड़ा यह शिव पिंडी है सारे ब्रह्मांड का आकार है, इनू डिफाइन कौन करेगा? क्योंकि जोड़ा भी करेगा बिच आ ध्यान देना इस गल जिन्ना ब्रह्मांड तुम देख रहे हो सज्जे खब्बे उत्ते थले जो भी देख रहे हो थले भी उपर भी ये एम एम ये सारा एक गोल आकार है, ये सारा ब्रह्मांड शिव पिंडी है, शिव का पिंड है, भगवान का है स्वरूप है। हुण इस विच ही प्रश्न पैदा होंदा भी ये स्वरूप जिहड़ा हैगा इहदी फिर कोई होवे सही दसण वाला भी की चीज़ है। तो महापुरुष कहिंदे आ क्योंकि शक्ति का प्रतीक है ये देखो, क्योंकि जिहड़ी चीज़ इस तरह दी होएगी ना आकार विच ब्रह्मांड दे आकार विच वो शक्ति संपन्न होवेगी। तुसी जो भी दुनिया देखोगे अपना गोल का यह मतलब की है तो अपने देखो गुरुद्वारा ते मंदिर ते लगता ना उपर टुंबना तो गोल क्योंकि शक्ति का प्रतीक है ये जड़ा है चिन्ह है। ये कोई एक आदमी नहीं है, ये कोई औरत नहीं है, ये शिव शक्ति स्वामी ने भी अगे बयान किया शिव और शक्ति अलग नहीं है, शिव और शक्ति एक है क्योंकि शिव निराकार है परमात्मा है, शक्ति वो नेचर कुदरत बनाई है भगवान ने है। ये जिहड़ी भी तुसी देख रहे हो ये शक्ति भगवान ने बनाई पैदा की हुई है, खेल है वह है उस खेल नू देखने लई सारे असी पैदा होए हुए हैं।
84 लाख जून परमात्मा ने बनाई, कल्पना की थी जिवें परमात्मा ने, यह सारा एको ही कल्पना च पैदा होया पाया, जो भी देख रहे स्वामी जी महाराज कहते हैं। हुण यह प्रश्न है जिहड़ा बड़ा एक वैदांतिक प्रश्न है, ये तुसी सारी सृष्टि किथे देखते हो? स्वामी जी महाराज कहते सरदार साहब ये जो भी देख रहे हो दुनिया सारी, अमरीका अफ्रीका 200 कंट्री हल्ला हो गया गा, थले तहां ठहां सितारे जो गलैक्सी जो दुनिया पर थले भी उपरे, ये किथे स्वामी जी के तुसी देखते हैं भाई? फिर सारे ने कहा महाराज दसो कृपा करो, कहिंदे बुद्धि च देखते हो भाई, ये बुद्धि च सारा कुछ राज देखना, ये बुद्धि चा सारा जो भी बाहर देख रहे हो, बाहर कुछ नहीं देखने, इस ध्यान देने वाली गल हूँ वेदांत में लैके चल थोड़ा चलन लगे हैं। ये जो सृष्टि है ये कुछ भी नहीं है, बाहर अंदर ही है, जिमें समझ के रात को सो जाने, ये सारी सृष्टि है ही नहीं, जे होवे तो तुहानू रात नू जगना चाहिए, तुहानू रात नू उही जे दिन ने कहा तां रात नू भी काम करने चाहिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहिंदे ना बस थक गए हुण आम नींद आ जाए, सारे ही कहिंदे आ, असी नहीं पशु पंछी सब यही कहिंदे आ। तो हुण महापुरश कहिंदे हैगे आ भई इसका मतलब होया कि जिस घर तुसी रह रहे हो, जिस परिवार नाल रह रहे हो, जिस बैड ते सौ रहे हो, वह भी है नहीं रात नू, यही रहिंदा यही आ, किहड़ा जिहड़ा तेरा सुवास खिच रहा छड रहा वह दिसदा नहीं, वह सत है शिव है परमात्मा है, उहदी रात्री है भाई एक, क्योंकि उस दिन उन्होंने विराट रूप दिता, विराट रूप दिता है चिन्ह, फिर मैं शिव क्या है परमात्मा क्या है? सदा शिव, सदा शिव का मतलब जो ना कि जा रहा ना आ रहा, हमेशा लई आ, हमेशा परमात्मा हमेशा लई है। हुण इस चीज़ बिच जे हुण गुरु मिले तदे कोई गल कुआड़ खोलते ना, उदा एक गल नहीं, फिर कहते सवेरे फिर तुसी जो उठते हैं इस स्थिति पर साढ़े सामने खड़ी होगी, फिर क्यों? मन ते बुद्धि, परमात्मा ने दो औजार बनाए हुआ अपनी खेड के बिच, वह भी ताड़े बिच जिवें हो ना कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर पाया हो उदा चलता हो इलैक्ट्रिसिटी नाल, हो यानी कि यह ताड़े फिट की ऑटोमैटिक जो परमात्मा की सारी सृष्टि फिट की हुई है, बिच पाई माया मन दे राही, मन दिसदा नहीं किसी नूं, यह माया स्वरूप सारी सृष्टि फड़ी हुई अपनी सतूल फड़िया इसने, ये मन जदों भी देखेगा एकदम मोटा चीज़ फड़ लेगा, कोई चंगी चीज़ जो लगेगी उन्हें फड़ लेनी, उन्हें इन जान ही नहीं देना, चाहे आदमी है चाहे कोई जनानी है चाहे फ्रूट है चाहे कोई सोना कोई चांदी, इन पकड़ लेना बस, उन्हें इदा पकड़ा भी ये तो पुला सजा मन तो औखा है, खेड बड़ी जबरदस्त पाई है, परंतु गुरु साहब कहते हैं ग्रंथ साहब ही महान दसेगा, मन तू जोत सरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमत्ती रंग माण, हे मन तू है ओदा ही सूप बनाया होया पर तू बार मुखी हो गया, तू गुरु की गल मान ला फिर तू उन्हू जानेगा, मन में हुक्म होया पाया है, गुरु ग्रंथ साहब श्लोक है, हुण इहनू हुण इह मनदा ही नहीं गया, सुन लिया श्लोक सुन लिया महापुरुष बाणी सुन ली पर नहीं मानता, क्यों? बहुत कुछ करने वाला है, इन्ने संस्कार भारे लैके तुरया होया है पोटली, वो निकलती नहीं है, अज की जी रात है ये है भी भाई समर्पण कर दो वो प्रभु अगे, जे मन जे कृपा बराग च आ जाए भी हो तो रात में भी है नहीं गा दिने भी है नहीं सृष्टि तेरी जिन्हें तू पढ़िया, क्यों? मन अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता, मन की आ उस सिद्ध करने शक्ति चाहिए पिछे वो बुद्धि अपने आप सिद्ध नहीं कर सकती, स्वामी जी महाराज कहते हैं बुद्धि सिद्ध करने लिए शक्ति चाहिए आ, वो ऐसी शक्ति है जिड़ी कि सदा सत है, वो नहीं जा रही युग चारे आ जान तिन्नों ही भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान हो सत ही रहेगा, जिहड़ा तिना युगों चौह युगों तिना कालों
साधा उदा ही है, उन्हूं सत कहिंदे आ डेफिनेशन आ स्वामी जी मारन दसी होई। सत सत आधार है शिव द परमात्मा दे स्वरूप दा, ये निशानियां प्रभु दियां। सत चित समझ कहिंदे आ उह चित है शिव जो है, चित की है जिसने सारे जहान नूं प्रकाशित किया होया है। छोटी मोटी अग्नि नहीं, अग्नि भी उहदी पैदा की, सारा ब्रह्मांड जो तुसीं देख रहे हां किन जगाया है, कोई माई का लाल हैगा जिहड़ा कहेगा भी मैं जगाया होया है? कोई नहीं कह सकेगा दुनिया के विच। रात नूं तारे टिमटमाउंदे हन, दिने सूरज चंद्रमा अपनी चाल नाल चल रहे हैं, वो रोशनी जिहनूं सब रोशन किया होया है, ऐसा प्रभु चित है, वो प्रकाश है, उहदा नां की है सत चित। चित मीन सब नूं प्रकाशित करन वाला, हमेशा लई प्रकाशित करन वाला है वो सत चित। फिर आनंद है उहदा स्वरूप, समझ कहिंदे आ शिव दा नां रूप की आ आनंद है, सदा लई आनंद है। आनंद सुनो मेरे भाई सतगुरु, आनंद पिया मेरे भाई सतगुरु मैं जिनके पाया, यानी कि आनंद ही आनंद है। वो आनंद क्यों है स्वामी जी कहते, क्योंकि उस सृष्टि नहीं है, उस करके सृष्टि है, सृष्टि उस नहीं है, क्यों जी फोर्स है वो शक्ति है जिन्हों परमात्मा तुम कहने शिव शक्ति, जी शक्ति है परमात्मा की, वो निरंतर लगातार डसा डस परी हुई है। वो अजकल के विज्ञान जो साइंटिस्ट उन्होंने खोज करते, अणु तक खोज लै गए, इन्हों एटम बम कह अणु एटम तक लै गए खोज करते करते, फिर समझ कहा वो होर खोज हुई, तीन पार्टिकल होर मिले वो बने, तीन हिस्से न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीन वो हिस्से बने, साइंटिस्ट ने कढ़िया, हजे भी वो खोज जारू उस अणु की। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ कि वो शिव त्या शिव है अणु, वो अपने आप उस कि बने, वो शक्ति कहड़ी आ जी कि अणु के पैदा हो रही है, लगातार हजारा अणु पैदा कर रही है, वो कहड़ा आदमी अणु पैदा कर रहा, कौन है वो? जिथे वो सारा एंड हो जाएगा, जिथे कोई बचेगा सोचने वाला है, जिथे बुद्धि लय हो जाए, मन लय हो जाए, वो जाके उत्थे जाग जाए बंदा, वो जेड़ा जेड़ा शिव दी जिन्हू भगवान जिन्हू जन चाहता महा ये स्वामी जी महाराज के, देखो जेड़े जेड़े उस मंजिल ते गए महापुरश उही दस सकदे ना, जेड़ा उस वेले जदों मन बुद्धि राह नूं लै हो गया तुहाडा पहुंचा ना ना मन बुद्धि गाड़ी नींद सृष्टि भुल गई खत्म ना, कि जेड़ा वो उस विच जाग जावे उस गाड़ी नींद उही उहनूं याद रखे जिहड़ी सृष्टि आ, उन्होंने यदा पता लगता, होर किसी नहीं पता लग सकता, वह कि पता लग सकता, वह आनंद रहेगा दस नहीं सकेगा, इन्ना आनंद है, गहर गंभीर है, बहुत आनंद है, वह तो निकल नहीं सकता। जिम्मे तुम रात को सौन देखा तो नींद आ जाए, तुम कि बाहर आ सकते हैं? तो कहते ना दुनिया सारी भुल जाए, मैनू हम सौन दो, क्यों? वह तो झलक है कि छुट्टी जी, हाय हाय उस आनंद की स्वामी जी कहते हैं, पर वो इन्ना गहर है, इन्ना डूंगा है, इन्ना विशाल आनंद है, तुसी बाहर नहीं जा सकते इस दे विचों। इस करके समझ कहिंदे है ये उहदे लक्षण है, चिन्ह हन शिव दे, सत चित आनंद स्वरूप नूं कहा गया। उहदा वर्णन करना किसी भी, क्यों वो बिंदु तो इंडिविजुअल है, जिथे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वास्ते स्वामी जी महाराज ने इहनूं दसण लई उदालक ऋषि महाराज हुए उहदी एग्जाम्पल दित्ती, मैं दो तीन मिनट जरूर कहूँगा इहदे नाल लिंक वा। महापुरश कहिंदे उदालक ऋषि महाराज दा पुत्र पढ़न गया, पढ़ाया गया, तो उदालक जी दा पुत्र श्वेत केतु जी नां सी उहनां दा, उन्होंने शास्त्र विद्या लै लई, विद्या लैण तों बाद घर आया तां उहनां दे पिता ने कहा सारी विद्या लै लई? कहिंदे हाँ जी। तो कहिंदे इह दस भाई ऐसी विद्या भी है, अपने आचार्य जी नूं पुछ के आओ, जिस विद्या प्राप्त करने बाद होर कोई विद्या की लोड़ नहीं है? कहिंदे महाराज वो तो फिर मैं पता नहीं है। कहिंदे जाओ पुछ के अपने, वो अपने आचार्य को गए, उन्होंने कहा ये विद्या तेरे पिता को है भाई, होर किसी को नहीं है। वो वापस आ गए केतु जी महाराज, कहिंदे पिता जी मैंने तुसी दसी नहीं है, तो तुहाडे कोल है।
पर यह दसो महाराज, वह कहते हाँ अच्छा तेन दस्या उन्होंने, कहते हाँ जी, कहते दसो भी एड्डी बड़ी सृष्टि फिर मैं किदा ये चूटी जी, कहते तुझे बन जाती है तो कहते बरोटे का बीज लियाओ, उन्होंने शब्द हैं स्वामी जी महाराज के, बरोटे का बीज लियाओ बहुत बरीक आ भाई, वह सरों रण तो भी घट बरीक आ, कहते इनू फाड़ो, फाड़िया उन्होंने दो कितने बड़ी मुश्किल नाल, कहते जी बरोटा दिसिया, कहते जी नहीं दिसिया, उन्होंने बेटे ने कहा, कहते ये बरोटा एक नहीं है, ये हजार लख बरोटे आ इस बीज बिच, अणु आहे छोटा बरोटा जो बन जाओ चखनी, जो होर लगते हैं बीज उन्होंने बरोटे न, जिन्ने मर्जी दुनिया सारे बरोटा हो जाएगा, हो इस तरह सारी सृष्टि एक अणु है, जो देखते हैं सारे संसार फैल जाती है। दूसरी दी तीनों एग्जाम्पल, पानी लियाओ, पानी चंदली नून लियाओ दिख रही तेन, उन्होंने महापुरुषों ने कहा यानी कि ऋषि महाराज ने उन्होंने घोल के कहा, दस उत्तर पूर्व पश्चिम के बच्चे इतने कितने नमक नहीं है, उन्होंने स्वाद लिया इतों उतों चौह दिशा चो, सारे पानी च नमक ही नमक हैगा, कहते इदा सर्वत्र फैलिया होया, डली तो है नहीं, वो दिस नहीं रहा, पर वो सारे लू लून हैगा, ये लून तो तेन दिस नहीं रहा, हैगा सारे, कहना जी हाँ, कहता इदा सर्वत्र फैलिया होया भाई, वो मालक जोड़ा है वो तेन दिसेगा नहीं, इन्हें कि तू इनू अंदर नहीं, अंदर की यात्रा है बाहर नहीं है अंदर। तो फिर महापुरशा ने कहा, उदाहरण दित्तियां होर बहुत दित्तियां, जिम्मे मिठास है लड्डू खा लें, मिठास है मिठा लड्डू तो देख लिया, जोड़ा उस आनंद है मिठास है वह बयान नहीं कर सकया कोई भी हूँ तक, ना कर पाएगा दुनिया के कोई भी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तो सूक्ष्म है, वो देखा नहीं जा सकता मिठास की है, सुगंधी की है, सूंघ लेंगे सुगंधी है कि कोई वर्णन नहीं कर सकेगा। मतलब कहता भी उड़ी शक्ति है, जिन्हें कि असं उस शिव शक्ति का ख्याल नहीं करा, गुरु ग्रंथ साहब शब्द आया तीसरी पातशाह जी ने शब्द वरते अपनी बाणी च लिखे आनंद साहब, शिव शक्ति आप उपाय के करता आपे हुक्म बरताए जियो, ये शब्द है गुरु ग्रंथ साहब, शिव शक्ति आप उपाय के करता आपे हुक्म बरताए जियो, ये हुण शब्द नूं तुसीं व्याख्या ते करके देखो, भगवान आप ही शिव और शक्ति सूप यानी कि आया आ रहे हैं, उन्होंने अपना खेड रचाई हुई परमात्मा ने पाई है, उसनू तुसी सदा शिव, उसनू तुसी अकाल पुरख, उसनू तुसी समझ कहते राम, उसनू तुसी भगवान कोई ना दे दो, हर चीज़ कणे कणे बिच जिहड़ा भी दृश्य दिस रहे तुहानू, जिहड़ा भी दृश्य दिखता पिया तुहानू, अणु छोटा मोटा उहदा कोई ना कोई नाम होएगा, उस नाम दे विच नाम ही रहिंदा, उस हर दृश्य के नामी है, ताई ना आया वह नामी एक ही होएगा, वह शक्ति है, वह कोई स्थूल नहीं है, वह अति सूक्ष्म है इंडिविजुअल, उ जो परमात्मा है, वह बिंदु है, बिंदु एक बस ओह तो बिना होर कोई नहीं है, जो असं इतने पहुँचागे ये सारा ही लय हो जाएगा, फिर असी ये महाशिवरात्रि का जो आनंद उ पूजन है, वह अंदर जाओ पूजन अंदर करो, बाहरला पूजन स्वामी जी महाराज ने कहा जल जड़ा मिलया जल परमात्मा ने बनाया, इस तो अच्छा पूजन दुनिया च हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये सब तो पवित्र है, जे दुनिया की वस्तु पवित्र है तो सिर्फ जल ही है, जल ऐसा परमात्मा ने कहा परमात्मा नु याद करने लिए, यह क्योंकि वो आकार उहदा सारा बनया, किसी होर देवी देवते नु पूजन की लोड़ नहीं, हो पाई बस ये जल पवित्र पा दो, सारे देवी देवते सारा आकार ही है तो बनया होया, बख बख मत्था टेकने की लोड़ नहीं, हो भाई यही मत्था टेक दो, शुरू वो याद करके भी ओह ही आ ओह ही आ सर व्यापक आ, वो फिर तो यह शिवरात्रि मना का महापुरशों की कृपा के नाल बिल्कुल शुभ पलक्ष है तुहाडा, ये तो भाई ठीक है, महापुरश कहते जो माई फिर इदा चढ़ाई जाओ जो मर्जी करी जाओ, ताड़ी आप जिन्नी जिन्नी करी छड़ता उन्होंने हर फल मिलेगा, परंतु जसली जो जरा आनंद लैना हो परमात्मा के नाल एक जिस वर्ख जिंदी मिली आ, होर कोई जीव में यह शक्ति नहीं परमात्मा ने बख्शी, सिर्फ तो इस जीव में यह गल्लां सुन रहे हैं कर रहे हैं, ये सिर्फ सानू ही बख्शियां परमात्मा ने, फिर तुम बी समझ सके उधर जा सकते हैं, जे मूँह कर लाँगे कुटिया वालों तो कुटे च आ गए हैं,
जे कुटिया वाल नू पेठ हो जाए तो समझ कहिंदे कौन कुटिया नू आ सकदा। सो मूँह किया हो भाई परमात्मा के घर कोई ना कोई अज नहीं कल नहीं परसों वो माँ शिवराती तो भाई त बिल्कुल तुसी आप ही हो। स्वामी जी महाराज ने कृपा की सारिया ते शेष गुरु ते परमात्मा एक है आत्मा एको ही आ मूर्तियां बख बख हन ये कौन कह दू यही कह गए यही कह रहे हैं। लोगों ने कहा मंत्र देंदे गुरु महाराज कन्ना दस देंगे तो मंत्र दसना नहीं किसी भाई महापुरुषों ने कहा अच्छा इदा करो प्रिंट करा दो ये भाई जिन्हू मर्जी दो जग लाता कन्ना दे विच नहीं चादर लैके नहीं कहते बन दो इन जपो भाई पढ़ के सारे जने को रह ना जाए खाली ना रहे भगवान का नाम लैन तो किसी को कोई वर्जित नहीं हो सकती भाई किसी को हर एक दो करो ये उधर जाना ही है तो इस जामे च आ के ही सू समझ आ सकती है होर किस जामे च नहीं है। इस करके तुसी सारे ही बड़े ही मैं कहूँगा परमात्मा की कृपा नाल सानू जामा मिलिया आओ इसका फायदा लईए तदे महाशिवरात्रि का जो शुभ जो त्यौहार हैगा वो असली मनौत होगी नहीं तो ठीक है जिमें असी कर रहे हैं उदा करके हर एक फल मिलेगा भाई क्यों नहीं मिलेगा। बोल सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय।